सो हे गाइस, अगर आप लोगों ने गलती से भी आज के सिरे पर क्लिक किया है तो यार सबसे पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोगों ने आज के सिरे पर क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो लक है वो काफी ज्यादा बेटर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आज के सिरे में आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी फैट्स की तरह वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। उसके बाद उसी वीडियो एडिटिंग को हम लोग और भी ओपी तरीके से और भी प्रोफेशनल तरीके से एडिट करने की कोशिश करने वाले हैं। मतलब आज के सिरे में आप लोगों को सबसे पहले मिस्टर ज्ञानी फैट्स की तरह वीडियो को एडिट करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद उसी वीडियो को हम और भी प्रोफेशनल तरीके से एडिट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप लोग आज के वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो तो यार आज के वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक जरूर देखना। और अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को और नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट गाइस, यहां पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर का सीरीज था वो था फैक्ट्स माइंड के ऊपर, एंड जो सेकंड नंबर की सीरीज था वो था इट्स फैक्ट के ऊपर, और हमारा जो थर्ड नंबर का सीरीज है वो है मिस्टर ज्ञानी फैक्ट्स के ऊपर। मतलब आज की वीडियो में आप लोगों को यह बताऊंगा कि बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह वीडियो एडिटिंग कैसे करें, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को यह बताऊंगा कि मिस्टर ज्ञानी कौन कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज करते हैं, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मिस्टर ज्ञानी की तरह फैक्ट्स कहां से रिसर्च करें, एंड जो फिर वीडियो आएगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिस्टर ज्ञानी की तरह वीडियो फुटेज कहां से लाए। मतलब मिस्टर ज्ञानी से रिलेटेड आप लोगों की सभी डाउट्स को मैं बहुत जल्द क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप लोग आगे आने वाली वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और उस एप्लीकेशन का नाम है काइनमास्टर। जैसे आप लोग काइनमास्टर को ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब आप लोगों को यहां पर करना क्या है, आप लोगों को यहां पर सबसे टॉप में मिल जाता है एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन, वहां पर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है। आप लोग जैसे वहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है प्रोजेक्ट नेम, मतलब आप लोग उस वीडियो का टाइटल देना चाहो तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद आप लोगों से यहां पर पूछा जाता है एस्पेक्ट रेशियो, मतलब आपकी जो वीडियो है उसकी रेशियो आप लोग रखना क्या चाहते हो, मतलब आपकी जो वीडियो है उसे आप कौन से साइज में एडिट करना चाहते हो। तो जैसा कि आज के वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं, तो यहां पर मैं सिंपल सा 1:1 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर सेलेक्ट करने के बाद हम यहां पर सिंपल सा क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हम लोग यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस ओपन हो जाता है, और आप लोगों को यहां पर मिल जाता है एक इमेज असेट्स का ऑप्शन, वहां पर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करके यहां पर से एक सिंपल सा कोई से बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर मैं सिंपल सा इस पिंक वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब हम सिंपल से यहां पर कट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर इसका जो साइज है उसे आप लोगों को कुछ इस तरह से इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को यहां पर मिल जाता है एक ऑडियो का ऑप्शन, वहां पर आप लोगों को सिंपल सा क्लिक करना है। अब आप लोग अपने ऑडियो को, मतलब अपने वॉइस को जिस फाइल में रखे हो उस फाइल पर क्लिक करके उसे सिंपल सा सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो वॉइस है वह ये वाला, यहां पर क्लिक करके आप लोगों को सिंपल सा इस प्लस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपकी जो वॉइस रहेगी वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आप लोगों को यहां पर सिंपल सा सबसे पहले कट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब वहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों को आगे क्या करना है यह आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। अब गाइस देखो, होता क्या है, जब भी आप लोग अपने वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो बीच बीच में ऐसा होता है कि आप लोग भूल जाते हो, फिर थोड़ा सा बोलते हो, फिर भूल जाते हो, फिर थोड़ा सा बोलते हो, मतलब कुछ इस तरीके से आपके साथ तो होता ही होगा। और ये जो कंडीशंस है वो मेरे साथ भी होती है। तो जैसे कि आप लोग देखो, मेरा जो वीडियो है वो मान ले जाए यहाँ से स्टार्ट है। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, लेफ्ट साइड को कट करना है। तो आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को नीचे की ओर स्लाइड करना है, और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है ट्रिम स्प्लिट का ऑप्शन, वहां पर क्लिक करके लेफ्ट साइड को कट करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। अगर राइट साइड को कट करना है तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। और अगर आप लोगों को 20 से कट करना है तो आप लोगों को यहाँ पर स्प्लिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे लेफ्ट साइड को कट करना है तो मैंने यहाँ पर कट कर दिया। अब इसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्लाइड करते हुए आगे की ओर ले जाना है। अब जैसे कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एरिया नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर से हमें चले जाना है ट्रिम टू स्प्लिट वाले ऑप्शन पर, और इसे 20 से कुछ इस तरीके से कट कर देना है। अब हमें करना क्या है, यहाँ तक लेफ्ट साइड के एरिया को कट करना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरीके से मिला देना है। तो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को यही काम करना है, आप लोग जहाँ तक भूले रहेंगे वहाँ तक कट कट करके कुछ इस तरीके से जमा लेना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके से जमा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने इसे कट करके बहुत ही अच्छे तरीके से जमा लिया है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले इस वॉइस को सुना देता हूँ कि आखिरकार मैं इस वीडियो में बोलने क्या वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह वीडियो एडिटिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप लोग इसे सुन लीजिए।
एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे, जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके 5वें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 3, मिलिए टीम फेरेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है, लेकिन फिर भी यह जिंदा है क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए सांप के काटने से भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने यहां पर तो देख ही लिया कि आखिरकार मैंने इस वीडियो में बोला क्या। गाइस, यहां पर आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो भी क्वालिटी में सेलेक्ट करना चाहो उस क्वालिटी में सेलेक्ट करके इसे सबसे पहले सेव कर लेना है। अब आप लोगों को सेव क्यों करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे पहले से ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसे सेव कर लेना है। अब आप लोगों को सेव क्यों करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बैक चले जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि देखना आप लोग यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, जो जो मुझे वीडियो फुटेज चाहिए उसे मैं यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं कट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं बिल्कुल फ्रंट में चले जाता हूँ। अब जैसे कि देखना मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं चाहिए तो मैं कट कर दूंगा। देख सकते हो जो वॉइस है उसका जो रेशियो है, मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, देखना यहाँ से मैं यहाँ तक कट करता हूँ तो देख सकते हो ये जो वॉइस है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बिगड़ जा रही है। देख सकते हो यहाँ पर एक साथ आ गया। अगर मैं आप लोगों को यहाँ से सुनाऊंगा और आप लोग अगर इस तरह से एडिट करोगे तो आपकी जो वीडियो है वो बिल्कुल भी अच्छे तरीके से एडिट नहीं हो पाएगी, मतलब आपका जो वॉइस है वो आगे पीछे या फिर इधर उधर हो जाएगा। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले उसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा बैक चले जाना है और आप लोगों को यहाँ पर फिर से न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर साइज को सेलेक्ट करके क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को उसी वॉइस को दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इतना काम करने के बाद कट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर फ्रंट में चले जाना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे की ओर स्लाइड करना है और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे आप लोगों को सिंपल सा डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को उन सभी वीडियो फुटेज को सेलेक्ट कर लेना है जिसके बारे में आप लोगों ने वीडियो में बताया है, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा क्लिक करूँगा। फिर हम ये वाला वीडियो फुटेज ले लेते हैं। यहाँ पर लेने के बाद हम सिंपल सा इस वीडियो फुटेज को ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ इमेज को लेना चाहूँगा, तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले एक और भी वीडियो को ले लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इमेज लेना चाहता हूँ, उसके लिए हम सिंपल सा उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं और उन दोनों वीडियो फुटेज को, मतलब जो इमेज है उसे हम ले लेते हैं। उसके बाद हमें फिर से आगे जो भी वीडियो फुटेज चाहिए उसे मैं यहाँ पर सिंपल सा सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मुझे वाला वीडियो फुटेज चाहिए। अब यहाँ पर मैंने सभी वीडियो फुटेज को सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा कट के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। फिर हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट में चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो फुटेज को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट करना है, मतलब आप लोग जैसे जैसे वीडियो में बोलते गए हो वैसे वैसे आप लोगों की सभी वीडियो फुटेज को जमाते जाना है और आपकी जो इमेज है उसे भी आप लोगों को जमाते जाना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक करके सुना देता हूँ, उसके बाद मैं इसे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से जमाकर बताने वाला। फिर आप लोगों की इस वीडियो के लास्ट में जो रिजल्ट है वो बिल्कुल मिस्टर ज्ञानी की तरह देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या, सबसे पहले मैं आप लोगों की इस वीडियो को कट करके और जमा के दिखा देता हूँ। आप लोगों को जमाना कैसे है वो भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। अब देखो गाइस, यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार इस वीडियो में बोला क्या जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, अब जैसा कि यहाँ पर बोला गया है नंबर 1, तो हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, आगे की वीडियो फुटेज को कट करके यहाँ पर हमें नंबर 1 लगाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हम चाहे तो नंबर 1 ना लगाकर यहाँ पर #01 भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह नहीं लगाने वाला। अगर आप लोगों को सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह फैकडाउन इफेक्ट चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बट यहाँ पर मैं कुछ अलग इफेक्ट्स को लगाने वाला हूँ। उसके लिए मैं करूँगा क्या, फिर से मीडिया ऑप्शन पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं सिंपल सा उस फोल्डर पर चले जाऊँगा और यहाँ से मैं एक काउंटर इफेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर क्या क्या चाहिए, नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 1। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, उन तीनों इफेक्ट को कट कर लेता हूँ। ये हो गया नंबर 3। ओके गाइस, अब हमें चाहिए यहाँ पर नंबर 2, तो यहाँ से मैं सिंपल सा कट कर दूंगा। अब ये हो गया नंबर 2। अब यहाँ पर हमें चाहिए नंबर 1, तो यहाँ पर हम कट करके इसे नंबर 1 को ले लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला गया था, नंबर 1, तो हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले जहाँ से नंबर 1 बोला गया है उस एरिया को हमें कट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर
अब यहाँ पर बोला गया नंबर 1, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और आगे के एरिया को राइट साइड को कट कर दूँगा यहाँ पर क्लिक करके। अब हमें यहाँ पर उस नंबर 1 को लेकर आना है, तो आप लोगों को लाना कैसे है ये भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। यह नंबर 1, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से स्लाइड करके पकड़े रहना है, ठीक गाइस। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, हमें यहाँ पर लगाना था तो मैंने लगा दिया। अब हम चलाकर देखते हैं, मैं यहाँ पर ले आता हूँ, अब हम लोग चलाकर देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम, ठीक है गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि जो नंबर 1 है वो बिल्कुल परफेक्ट जगह में लग चुका है। अब आगे क्या बोल रहा है ये आप लोग वीडियो में बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। उसके बाद मैं आप लोगों को और भी काफ़ी कमाल कमाल की इफेक्ट डालकर बताने वाला हूँ, तो चलिए सबसे पहले हम आगे की वीडियो को देख लेते हैं। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे, जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान। अब गाइस यहाँ पर बोला गया था कि नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया, तो हमें करना क्या, जो नशा मुक्ति केंद्र है वाला वीडियो फुटेज हमें यहाँ से लेना है, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कट कर दूंगा। अब जहाँ से बोला गया था कि नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया वहाँ पर हमें कट करके उसे लगा देना है, ठीक है, हम देख लेते हैं। सीढ़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में से यहाँ पर से बोला गया 2010 में, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ, बन गया, जिसके बाद 2010 में से नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान। अब यहाँ पर से बोला गया नंबर 2, तो आप लोगों को करना क्या है, जो नंबर 2 है उसे आप लोगों को वहाँ पर ले जाकर लगा देना है, तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लगा देना है। अब हम सबसे पहले इसे चलाकर देखते हैं किस इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा। अब गाइस यहां पर बोला जा रहा है कि इसके पांचवें फ्लोर से, तो हमें क्या करना है, यहां पर को फोकस करना है, ये इसका पांचवा फ्लोर। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहां पर मिल जाता है पेन एंड जूम का ऑप्शन। यहां पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले इसमें सेलेक्ट रहने देना है, और इसका साइज को आप लोगों को सबसे पहले कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर लेना है। साइज को इंक्रीज करने के बाद आप लोगों को यहां पर क्लिक है, फिर आप लोगों को इसे हल्का सा जूम करना है ताकि यहाँ पर आपका जो इमेज रहेगा वो थोड़ा सा वीडियो की तरह एनिमेशन दिखे। अब आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके बैक चले जाना है। अब आप लोगों को इस इमेज पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है, साइज को इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके इसे फिर से कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर देना है, और आप लोगों को यहाँ पर इस वाले मंजिल पर फोकस करना है। ज्यादा ही जूम हो गया है तो हम थोड़ा सा इसे कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, ओके गाइस, और इसे हम थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। अब आप लोग यहाँ पर आगे की जो वीडियो है इसे बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। इसे मैं अच्छे तरीके से जमा लेता हूँ, मैंने जमा लिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ तक बैक चल जाना है। अब आप लोगों को यहाँ तक सबसे पहले इसे चलाकर देखना है। यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। अब जहां से बोला गया है कि इसके पांचवें नंबर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है, वहीं से हमें इस इमेज को लेना है, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, इसे सिंपल सा कट करना पड़ेगा। चलाकर देखते हैं पांचवें फ्लोर से एक अब यहीं से बोला गया पांचवें फ्लोर से, तो यहां पर मैं सिंपल सा कट कर देता हूं। अब मैं आप लोगों को चलाकर दिखाता हूं। अरत है जिसका नाम गेट टावर है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। अब गाइस यहां पर से बोला गया नंबर 3, तो आप लोगों को यहां पर क्लिक करके आगे के एरिया को राइट साइड के एरिया को कट कर देना है। अब हमें यहां पर ले आना है नंबर 3 को, यहां पर मैं क्लिक करके रखूंगा, ओके गाइस। अब यहां पर हम ले चलेंगे सिंपल सा नंबर 3 को। अब यहां पर मैं आप लोगों को आगे की वीडियो को चलाकर दिखाता हूं कि आगे की जो वीडियो आखिरकार बोल क्या रही है। नंबर 3 मिलियन। अब गाइस जैसे कि यहां पर बोला गया नंबर 3, अब आगे क्या बोल रहा है ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना। यहां पर मैं प्ले कर देता हूं। ये टीम फ्रेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है, लेकिन फिर भी यह जिंदा है क्योंकि इसकी बॉडी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि इसकी बॉडी ने, तो ये जो बॉडी पार्ट्स वाला इमेज है या फिर वीडियो फुटेज है उसे आप लोगों को यहाँ पर ले आना है। अब मैं आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ। बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए कि सांप के काटने से भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया, अब आप लोगों को यहाँ पर करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पर काफी कमाल कमाल का इफेक्ट देना है ताकि आपकी जो वीडियो है वो यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिस्टर ज्ञानी की तरह लगे। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले बिल्कुल फ्रंट में आ जाना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कमाल कमाल के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं, बट आप लोगों को इन ट्रांजिशन इफेक्ट्स को कहाँ से और किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। बट उससे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इफेक्ट डाल के देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोग वाला इफेक्ट दोगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके के काफ़ी कमाल कमाल के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी की तरह काफ़ी कमाल कमाल के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो देख सकते जो
मिस्टर ज्ञानी है वो ज्यादातर ये वाले इफेक्ट्स अपनी वीडियो में तो यूज करते ही करते हैं। अब हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो मिस्टर ज्ञानी है वो ये वाले इफेक्ट्स को भी ज्यादातर अपनी वीडियो में यूज करते ही करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता दूं कि इससे भी ज्यादा वो अपनी वीडियो में ये वाले इफेक्ट को यूज करते हैं। कौन सा वाला? यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो ज्यादातर अपनी वीडियो में कुछ इस तरह के इफेक्ट्स को यूज करते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरीके के, ठीक है। मैं बीच में ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अब हम सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब आप लोग देखना, यहाँ पर आप देख सकते हो वो ज़्यादातर अपने वीडियो में कुछ इसी तरीके के ट्रांजिशन इफेक्ट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा कि सबसे पहले मैं सभी जगह ट्रांजिशन इफेक्ट्स को लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। फिर आप लोग देखें कि जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। उसके बाद हम इस वीडियो को और भी ओपी और भी ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से एडिट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने सभी में ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगा दिए हैं। अब मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ तक वीडियो को चलाकर दिखा देता हूँ कि अभी तक हमारी जो वीडियो है वो देखने में आप लोगों को कैसी लग रही है। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक करता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को एल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे, जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 3, मिलिए टीम फ्रेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है, लेकिन फिर भी यह जिंदा है क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए कि सांप के काटने से भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर तो देख लिया कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को काफी कमाल के इफेक्ट्स लगाकर दिखा दिए हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को यही बता दूं कि ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स है उसे आप लोगों को कहाँ से और किस तरह से डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब गाइस देखो, यहाँ पर अगर आप लोग वीडियो इफेक्ट्स लगाना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को नीचे की ओर स्लाइड करना है, और ये जो इफेक्ट्स उसे आप लोगों को कहाँ से और किस से डाउनलोड करना है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो क्लास में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब गाइस यहां पर मैं करूंगा कि सिंपल से यहां पर क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहां पर क्लिक करके फुल डिस्प्ले में कर लेना है। ओके गाइस यहाँ पर फुल डिस्प्ले में कर लेता हूँ। फुल डिस्प्ले में करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे को साइड करना है, और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन। वहाँ पर क्लिक करके आप लोगों की स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन को सेलेक्ट करने के बाद इसे बैक चले जाना है। अब आप लोग यहाँ पर देखना, आप लोगों को काफ़ी कमाल का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर मैं प्ले करता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है, लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1। तो गाइस यहाँ पर आप लोग इस इफेक्ट को जहाँ जहाँ पर लगाना चाहते हो वहां पर लगा सकते हो। अब यहां पर मैंने एक और भी इफेक्ट्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है जो आपकी वीडियो पर चार चार लगाने वाले हैं। उसके लिए आप लोगों को लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहां पर क्लिक करना है मीडिया के ऑप्शन पर। अब यहां पर मैं चले जाता हूं सिंपल सा उस डाउनलोड वाले फोल्डर पर, और यहां पर आप लोगों को एक और इफेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेना है, और इस इफेक्ट्स को आप लोगों को कहां से और किस तरह से डाउनलोड करना है उस वीडियो का लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा ओवरली इफेक्ट्स किस तरह से डाउनलोड करें। यहाँ पर मैं सिंपल सा क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोगों को इसे फुल डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से कर लेना है, यहाँ पर लाना है, और इसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से फुल डिस्प्ले में कर लेना है, और उसके बाद आप लोगों को इसे बिल्कुल कुछ इस तरीके से सेंटर में ले आना है। सेंटर में लाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाना है, और ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोगों को फिर से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना। अब गाइस यहाँ पर आप लोग देखना, आपकी वीडियो पर काफ़ी कमाल का इफेक्ट देखने को मिलने वाला है, बट इसे हम लगाएंगे कहाँ? यहाँ पर लगाने वाले हैं। ओके गाइस यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से ले आता हूँ। अब आप लोग यहाँ पर देखना, मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ। इस वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है। और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 3, मिलिए टीम फ्रेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है, लेकिन फिर भी यह जिंदा है क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए सांप के काटने से भी इसे जरा फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने तो देख लिया कि यहाँ पर आप लोगों को काफी कमाल के इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर अभी तो कम इफेक्ट्स लगाए हैं, बट मेरे पास बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जिसे आप लोगों ने वीडियो में यूज कर अपनी वीडियो पर चार चार लगा सकते हो, और अपनी वीडियो के ऑडियंस रिटेंशन को इंक्रीज करके अपनी वीडियो को काफी तेजी से वायरल कर सकते हो। गाइस जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ऑडियंस आपकी वीडियो पर अपना जितना ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हैं आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस उतने ही तेजी से बढ़ जाते हैं। तो आप लोगों को अपनी वीडियो को काफी ज्यादा ओपी
और काफी ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से जरूर एडिट करने चाहिए। अब यहाँ पर जैसा कि मैं यहाँ से यहाँ तक एक और भी अदर ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना चाहता हूँ या फिर ओवरले इफेक्ट्स लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करूंगा। फिर हम चले जाएंगे मीडिया वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर। और यहाँ पर जैसा कि मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा इफेक्ट्स बेटर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का इफेक्ट देने को मिलने वाला है। हम दूसरा चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैं ये वाला चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, जैसे कल जो इफेक्ट्स है वो मुझे बेटर लग रहा है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ओके कर देंगे। अब आप लोगों को फिर से क्या करना है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ब्रांडिंग पर जाना है, स्क्रीन पर जाना है और सेलेक्ट करके इसका साइज को कुछ इस तरीके से फुल कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब मैं आप लोगों को इसे ही प्ले करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर मैं करता क्या हूँ, इसे मैं यहाँ से लगाना चाहता हूँ, यहाँ तक खत्म हुआ है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हम लगा लेते हैं। अब मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आप मुझे ये बताना कि यहाँ तक अभी जो हमारी वीडियो है वो किस तरीके से एडिट हुई है। बट हमारी जो वीडियो है पूरी तरीके से कम्प्लीट नहीं हुई, मतलब इस वीडियो में अभी हम कुछ कुछ और भी ऐड करने वाले हैं जिससे हमारी जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगने लगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ तक चलाकर दिखा देता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे जिसकी वजह से यह गाइस ये जो ओवरली इफेक्ट्स है मुझे उतना ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है। मतलब देखते तो यहाँ पर ये कुछ ज्यादा हाईलाइट कर दे रहा है तो मैं इसे सिंपल से यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पर हम कोई दूसरा से इफेक्ट्स को ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम इस वाले इफेक्ट्स को ले लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर से आप लोगों को यहाँ पर चला है ब्लेंडिंग पर, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं ब्लेंडिंग और स्क्रीन को सेलेक्ट करके इसे आप लोगों को यहाँ पर ले जाकर फुल डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से कर देना है। अब मैं आप लोगों को चलाकर दिखाता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 3, मिलिए टीम फ्रेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है लेकिन फिर भी यह जिंदा है क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए कि सांप के काटने से भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने तो देख लिया कि हमारी जो वीडियो है वो अभी तक आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है, बट अभी भी इस वीडियो में कुछ कुछ और ऐड करना बाकी है। बट गाइस, यहां पर मैं आप लोगों को सीरियसली बताऊं तो ये जो इफेक्ट्स मुझे सच में बहुत ज्यादा बेकार लगा। आप लोग चाहो तो उसे यूज कर सकते हो बट कैसे और कहां से डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बता दूंगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, जो मिस्टर ज्ञानी है वो अपने वीडियो में कहीं कहीं फंड लगाते हैं, उससे पहले यहाँ पर आप लोगों को टॉप में कुछ लिखना होगा सेम उनकी तरह। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर हम यहाँ पर लिखना क्या चाहेंगे, टॉप 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओके गाइस, टॉप 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आप लोग जो भी लिखना चाहो वो आप लोग लिख सकते हो बट यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ टॉप 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर फंड के ऑप्शन पर क्लिक करके एक कोई सा भी अच्छा सा फंड को सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं ज़्यादातर इसी फंड को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को करना क्या है, नीचे को स्लाइड करना है और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है कलर का ऑप्शन। यहाँ पर आप जो भी कलर देना चाहो वो कलर आप दे देना। यहाँ पर जैसा कि मैं इसे रेड कलर दे देता हूँ, राइट पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप लोगों को फिर से स्लाइड करना है और आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन, उसे आप लोगों को इनेबल करके इसे आप लोगों को या फिर येलो कलर दे देना है या फिर ब्लैक कलर दे देना है। मैं इसे येलो देके इसे फुल कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। यहाँ पर हम राइट कर देंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है फुल विद बैकग्राउंड। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल सा इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसका साइज को कुछ इस तरीके से इंक्रीज करके इसे आप लोगों को बिल्कुल टॉप बॉर्डर में ले जाना है, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो देखने में और भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर क्लिक करके इसे बिल्कुल एंड तक ले जाना है, कुछ इस तरीके से। ओके गाइस, यहाँ पर मैं ले जाता हूँ लास्ट तक और यहाँ पर हम आगे के एरिया को सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके कट कर देते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर आगे क्या करना है ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से जरूर देखना, बट उससे पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि हम इस वीडियो में और भी क्या क्या ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल से यहाँ पर क्लिक करूंगा। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को अल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत
अब गाइस यहाँ पर बोला जा रहा है ओसाका जापान, तो हमें यहाँ पर लिखना क्या पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिख कर बताना है अपने ऑडियंस को किसका नाम है ओसाका जापान। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है, फिर हमें क्लिक करना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर और हमें यहाँ पर सिंपल सा टाइप करना है ओसाका जापान। ओके गाइस, यहाँ पर हम सिंपल सा ओके पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम स्पेस दे देते हैं, फिर हम ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप लोगों को क्या करना है, पर नीचे को स्लाइड करना है, कलर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम देते हैं रेड कलर, फिर रेड कर देंगे, फिर नीचे को स्लाइड करना है और यहाँ पर हम क्लिक करके इसे इनेबल कर देंगे और यहाँ पर आप लोगों को फिर से इसे येलो कलर दे के इसे 100 करके इसे ओके कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर एक और चीज़ करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक ओवरले एनिमेशन और यहाँ पर मिल जाता है इन एनिमेशन, तो इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को काफी कमाल के इफेक्ट्स देने को मिल जाते हैं। बट यहाँ पर जो मिस्टर ज्ञानी है वो कौन सी इफेक्ट्स यूज करते हैं उसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो जो इफेक्ट्स है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जिसका नाम है पॉप आउट वार्ड, आप लोग उनके वीडियो को देखना और यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है पॉप डाउन। अपनी वीडियो में इसी इफेक्ट्स को ज्यादातर यूज करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करके इसका साइज को इंक्रीज करके इसे बिल्कुल यहाँ पर ले आना है कुछ इस तरीके से। अब आप लोग देखना आपको देखने में कैसा लग रहा है। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है। अब गाइस इसे आप लोगों को जहां तक रखना है वहां तक रख के इसे सिंपल सा हटा देना, जैसे कि मैं इसे यहां तक रखना चाहता हूं तो यहां पर क्लिक करके आगे के एरिया को हम कट कर देंगे। अब यहां पर आप लोग इसे कॉपी कर लेना, यहां पर डुप्लीकेट कर लेना, डुप्लीकेट करने के बाद ये जहां से बोल रहा है गेट टावर वहां पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ले जाना है। ले जाने के बाद आप लोगों को आगे क्या करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। नंबर 2, ओसाका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट, अब यहाँ से बोला जा रहा है जिसका नाम गेट टावर है, तो आप लोगों को यहाँ तक ले आना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है और इसे कुछ इस तरीके से बिल्कुल टॉप बॉर्डर में ले आना है। यहाँ पर लाने के बाद साइज को कुछ इस तरीके से छोटा करना है, साइज को छोटा करने के बाद आप लोगों को एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसे कट करके आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा गेट टावर। ओके गाइस, मैंने यहाँ पर लिख दिया गेट टावर, अब आप लोगों को ओके कर देना है। अब आप लोगों को वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, फिर आप लोग देखने के जो वीडियो है वो आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। अब गाइस यहाँ पर मैंने आप लोगों को ओवरले इफेक्ट्स लगाना, ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना, ये जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसे लगाना, मतलब मैंने आप लोगों को यहाँ पर लगभग सभी को सिखा दिया। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, सिंपल सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगाऊंगा, उसके लिए आप लोगों को करना क्या, सिंपल सा ऑडियो का ऑप्शन पर क्लिक करना है, आप लोगों को यहाँ पर सिंपल सा अपने बैकग्राउंड म्यूजिक वाले फोल्डर पर चले जाना है और आप लोगों को इस बैकग्राउंड म्यूजिक में जो भी म्यूजिक लगाना है उसे आप लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं उसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं इस बैकग्राउंड म्यूजिक को लगाना चाहता हूँ, तो मैंने फाइनली यहाँ लगा दिया है। अब इसका जो साउंड है उसे आप लोगों को बिल्कुल कम कर देना है, 10 या 20 में ही रखना है, तो यहाँ पर मैं इसे 15 में ही रहने देता हूँ। अब गाइस इतना काम करने के बाद मेरे पास और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है, लाइक कैमरा कैप्चर इफेक्ट्स, इस तरह के और भी बहुत सारे इफेक्ट्स है जिसे मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो लगा सकता हूँ, बट हमारी जो वीडियो है वो इतने भी काफी ज्यादा ओपी और काफी ज्यादा प्रोफेशनल लग रही है, तो यहाँ पर मैं उस इफेक्ट्स को नहीं लगाता हूँ, वरना ज्यादा ही एडिट करते हैं या फिर ज्यादा यहाँ पर कुछ कुछ इफेक्ट्स को भर देते हैं तो जो वीडियो है वो और भी काफी ज्यादा बेकार लगने लगती है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उसे ऐड नहीं कर रहा। अब गाइस यहाँ पर मैं करने क्या वाला हूँ, सिंपल से यहाँ पर क्लिक करूंगा और आप लोगों को इसे जिस भी क्वालिटी में सेव करना है उस क्वालिटी पर सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव एज़ का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे सिंपल सा सेव कर देना है। अब गाइस इस वीडियो को मैं पूरा सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद मैं आप लोगों की वीडियो को पूरा प्ले करके दिखाऊंगा और इस वीडियो को प्ले करके दिखाने के बाद मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यहाँ पर मैंने जो जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज किए हैं उन सभी को आप लोगों को कहाँ से और किस तरह से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे की जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फाइनली जो सेविंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं सिंपल सा बैक चले जाता हूँ। देखो गाइस यहाँ पर मैंने जो जो ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज किए हैं उसे डाउनलोड करने के लिए आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है, आप लोगों को कुछ इस तरह का प्लस का ऑप्शन मिलने वाला है कुछ इस तरह का, वहां पर क्लिक कर लेना। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसी पर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते यहाँ पर लिखा हुआ है अनेबल टू अप्लाई ट्रांजिशन सिंस द क्लिप्स आर टू शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट्स है यहाँ पर देख सकते हैं जो क्लिप्स है वीडियो क्लिप्स है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर आप लोग ट्रांजिशन इफेक्ट्स नहीं लगा सकते। तो मैं सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करूँगा। आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है एक स्टोर का ऑप्शन, वहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों को यहाँ पर भर भर के बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल से नीचे को स्लाइड करते जाता हूँ, यहाँ पर और चले जाते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को ये वाला, मतलब कुछ इस तरीके से बहुत ही कमाल के ट्रांजिशन इफेक्ट देने को मिल जाते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि वहाँ पर मैंने कौन कौन से इफेक्ट्स को यूज किया है, जैसे कि एक ही वाला था, ठीक है, हम और स्लाइड कर लेते हैं, मतलब गाइस आप लोग तो समझ ही गए, जैसे कि यहाँ पर एक ही वाला था, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा होगा। और आप लोग मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर
हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल्ड लिखा हुआ देखने को मिल जा रहा होगा जो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर से आप लोग इसी तरीके के बहुत सारे इफेक्ट्स को डाउनलोड करके अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और काफ़ी ज़्यादा ओपी तरीके से एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने और भी ओवरली इफेक्ट्स और यहाँ पर मैंने जो जो इफेक्ट्स यूज किए हैं उन सभी को आप लोगों को कहाँ से और किस तरह डाउनलोड करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे लास्ट तक देखकर जरूर जाना। एक ऐसा इंसान जिसको पिछले 10 सालों में 110 जहरीले सांपों ने काटा है लेकिन आज भी वह जिंदा है। नंबर 1, रशिया के जू में एक चिंपैंजी रहता है जिसका नाम जोरा है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इस जू में कुछ लोग आकर इस जोरा को एल्कोहल और सिगरेट का सेवन कराते थे जिसकी वजह से यह चिंपैंजी कुछ दिनों में नशेड़ी बन गया, जिसके बाद 2010 में इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजा गया ताकि इसका इलाज किया जा सके। नंबर 2, साका जापान में एक ऐसी 16 मंजिला इमारत है जिसका नाम गेट टावर है, और आपको यकीन नहीं होगा कि इसके पांचवें फ्लोर से एक लंबा चौड़ा हाईवे गुजरता है जो देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। नंबर 3, मिलिए टीम फेरेडे नाम के इस इंसान से जिसको पिछले 10 सालों में 110 सांपों ने काटा है लेकिन फिर भी यह जिंदा है, क्योंकि इसकी बॉडी ने अपने आप ही कुछ ऐसे एंटीबॉडी पैदा कर लिए कि सांप के काटने से भी इसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने तो देख लिया, यहां पर मैंने आप लोगों को बिल्कुल सेम टू सेम मिस्टर ज्ञानी फैक्ट्स की तरह वीडियो एडिटिंग करना तो सिखा ही दिया। अब यहां पर मैंने कौन कौन से ट्रांजिशन इफेक्ट्स यूज किए हैं, कौन कौन से साउंड इफेक्ट्स यूज किए हैं और कौन कौन से ओवरले इफेक्ट्स को यूज किए हैं, अगर आप लोगों को इन सभी को डाउनलोड करने का तरीका जानना है तो आप लोगों को सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लेना। और अगर आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम फैक्ट्स मैन की तरह वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ भी सीखना चाहते हो और इस फैक्ट की तरह भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो मेरे प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर लेना। मेरे प्लेलिस्ट पर आप लोगों के दोनों चैनल के बारे में पूरे ए टू जेड डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन को या फिर प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लेना। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।